Good afternoon, everyone. Today we are going to read chapter 13, Ancient India, Contribution to Culture and Science. आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. Let's start reading. Ancient India has made unique contribution to science, literature, art and culture. इसका contribution किसमें है? Science में है. Literature, art or culture. In this chapter, we will discuss about these achievements made by the Indian in the past. इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे मतलब हमारे culture से हमें क्या क्या achievements, हमारे past से हमें क्या क्या चीजें achievements मिली हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, हमने ये सब चीजों के बारे में पहले पढ़ लिया है, लेकिन अब हम इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि इनसे हमें फायदा क्या क्या हुआ है. The Vedas and the Upanishad. The first one of the most important contribution of ancient in the field of literature were the four Vedas. अब सबसे पहले है four Vedas हमारे. ठीक है, कौन कौन से हैं? Okay. ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा and अथर्वेदा. Yes, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा and अथर्वेदा. अथर्वेदा. ये हमारे four Vedas हैं. ये हमें क्या बताते हैं? These tell us about the religious beliefs. ठीक है? Social environment of the Aryans. Someone has joined. ये हमें बताते हैं religious beliefs and social environment of the Aryans. आर्यंस के रिलीजियस बिलीव्स और सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं. ओके, फ्यू स्टूडेंट हैव जॉइन्ड नाउ. चलिए, देशिका भी आ गई हैं. ओके, ऋग्वेदा इज द फर्स्ट वेदा एंड इज द हर्ट ऑफ द एंटायर वेदिक नॉलेज. उनके बारे में कितने उनके अंदर हाइंस हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ऋग्वेदा फर्स्ट वेदा है. क्या है? हर्ट ऑफ द एंटायर वैदिक नॉलेज. इट कंटेन्स 10,552 वर्सेस. इसके अंदर कितने हैं? 10,552. यजुर्वेदा कंटेन्स हाइंस फॉर ऑब्लेशन और सेक्रीफाइस और ऑफरिंग. इसके अंदर देखिए ये हर्ट है पूरे हमारी वैदिक नॉलेज का. इसके अंदर सारी सेक्रीफाइस और ऑफरिंग बताई गई है कि उन्होंने किस तरह के सेक्रीफाइस किए और क्या क्या वो ऑफर करते थे गॉड को. एंड कंटेन्स 2,000 वर्सेस. और सामवेदा इसके अंदर मेनी हैज हाइंस फॉर सिंगिंग एंड कंटेन्स 2,000 वर्सेस. और इसके अंदर क्या है? श्लोक गाए गए हैं. कितने हैं? 2,000 है. एंड अथर्वेदा हैज 6,000. इसके अंदर सारे रिचुअल्स और राइट्स बताए गए हैं, सारे रीति रिवाज बताए गए हैं कि किस तरह से वो जो अपने पुराने रीति रिवाजों को करते थे. ठीक है, नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड उपनिषद. इसके अंदर देखिए उपनिषद भी आते हैं. विच कंटेन डीप नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमैनिटी. ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है जहां पे मैंने ये लाइंस को मार्क कर रखा है ना. देखिए ये क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं सारे. डीप नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमैनिटी अल्टीमेट ट्रूथ एंड आर ट्रेजर्ड एज वन ऑफ द रिचेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड. इनको वर्ल्ड के रिचेस्ट लिटरेचर के अंदर माना जाता है. द उपनिषद कंटेन टीचिंग बाय द सेलिब्रेटेड टीचर्स टू देयर सिलेक्टेड डिसिपल्स. उपनिषद क्या है कि जो गुरु को अपने जो शिष्य हैं अपने डिसिपल्स हैं उनको जो टीचिंग दी गई है वो चीज है उपनिषद. उनके बारे में बताया गया. दे आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. इसके अंदर डायलॉग की फॉर्म में इनको प्रेजेंट किया गया है. जैसे गुरु ने क्या बोला फिर शिष्य ने उसके लिए क्या रिप्लाई किया इस तरह से इस फॉर्म में इनको बनाया गया है. नमित बेटा प्लीज जॉइन डेली. It is said that there are more than 100 Upanishads. ये भी बोला जाता है कि कितने उपनिषद है? More than 100.
आउट ऑफ देन 10 प्रिंसिपल उपनिषद, ये जो 10 है मेन उपनिषद है, ईसा, प्रासना, तैत्रिया, बृधन याका और केना, मुंडका, ऐत्रेया, कथो और मंडुक्या और चंदोग्या, ये हमारे जो 10 मेन उपनिषद है उनके नेम है। मोस्ट इंडियन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन हाई लेवल थॉट टॉट बाय द उपनिषद, जो हमारी जो इंडिया की फिलोसफी है ना वो ज्यादातर इन्हीं उपनिषदों पे बेस्ड है। Then there are the Puranas. अब हमने क्या किसके बारे में पढ़ लिया, हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया, उपनिषद के बारे में पढ़ लिया। वेद हमारे जो चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, और उपनिषद है जिसमें टीचर और स्टूडेंट की आपस की कॉन्वर्सेशन बता रखी है डायलॉग्स के रूप में। अब आ गया हमारा पुराण, विच टेल्स अस अबाउट द फैमिली ट्री ऑफ द गॉड्स, ये भी क्वेश्चन बन रहा है। विच टेल्स अस अबाउट द फैमिली ट्री ऑफ गॉड, ऋषिज, रॉयल फैमिलीज, दे गिव अस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द एंशियंट टेल्स अबाउट द ओरिजिन। अब ये हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एंशियंट टेल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। हमारे पुराणों के अंदर हमारी अर्थ की ओरिजिन, पुरानी पुरानी कथाएं बताई गई हैं, यूनिवर्स कैसे बना और अर्थ की डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है। देयर आर 18 पुराणस विच एनरिच अवर लिटरेरी हेरिटेज। ध्यान रखिएगा कि 18 पुराण है और वहां पे कितने थे, जो उपनिषद कितने, 100, और उसमें 10 मेन है। जो पुराण है वो हमारे जो रिच हेरिटेज है इसको एनरिच करते हैं पुराणों, मतलब इंडिया माना जाता है अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों की वजह से। अब आगे एपिक, एपिक मीन्स ग्रंथ। कौन कौन से दो एपिक है मेन, रामायण एंड महाभारत। यस, रामायण एंड महाभारत, यस रामायण, आर अनदर प्राइसलेस लिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंशियंट इंडिया। प्राइसलेस यानी अमूल्य है, ऐसे हमारे जो ग्रंथ है अमूल्य ग्रंथ है, प्राइसलेस है। द बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द एंशियंट इंडिया। जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट भी हैं, उनकी भी जो राइटिंग्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस पुराणों का। द जटाका टेल्स, पंचतंत्र, टेल अस अबाउट द पीपल एंड द सोसाइटी एंड गिव्स अस लेसन अबाउट द नेचर ऑफ मैन एंड हाउ ही रिएक्ट्स टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। जटाका टेल्स और पंचतंत्र हमें क्या बताते हैं, ठीक है, लेसन अबाउट द नेचर ऑफ मैन, हमें इंसान की नेचर के बारे में बहुत ज्ञान देते हैं, और हमें अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग सर्कमस्टेंसेस अगर हम पे आ जाए तो हमें उस वक्त कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो हमारी सारी चीजें, हमारे जो ये पुराने जितने भी उपनिषद है, वेद है, पुराण है, ये सब हमें बताते हैं कि हमें किसी भी सिचुएशन में कैसे डील करना है। दीज स्टोरीज हैव अ मोरल विच आर रेलेवेंट टू अस इवन टुडे। मतलब इनकी जितनी भी कहानी है ना, इनमें कोई ना कोई ऐसी मतलब मॉरल वैल्यूज छुपे हुए जो इवन आज भी अप्लाइड होते हैं हमारी लाइफ में, हम आज भी उनके ऊपर उनकी थ्योरी पे ही अपने लाइफ को चला रहे हैं, मतलब इतने वैल्यूएबल हैं। सेकुलर लिटरेचर, अब सेकुलर लिटरेचर के अंदर आ जाते हैं जो आपके फेमस पोएट हैं उनकी राइटिंग्स आ जाती हैं। फेमस क्रिएटिव वर्कर्स ऑफ द राइटर्स लाइक कालिदास, शूद्रका, बाणभट्ट, भारसा, ये आपके संस्कृत के फेमस पोएट है, ये ऑल्सो बिलोंग टू द एंशियंट पीरियड, ये सारे एंशियंट पीरियड से बिलोंग करते थे। अर्थशास्त्र एंड धर्म सूत्रास बाय कौटिल्य गिव्स अस क्लियर आइडिया अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, इकोनॉमी एंड सोशल रेगुलेशंस ऑफ एंशियंट इंडिया। अब इनकी जो बुक्स हैं, ठीक है, जैसे धर्म सूत्र है, उसमें उन्होंने सारे धर्म को के लिए जो सूत्र बताए गए हैं वो, और अर्थशास्त्र उसमें उन्होंने बताया कि आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। गिव्स अस क्लियर आइडिया अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, हमें रूल्स रेगुलेशन कैसे इकोनॉमी को चलाना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे उस वक्त के राजा, वो सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। द तमिल टेक्स्ट कॉल्ड संगम लिटरेचर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द तमिल।
जो संगम लिटरेचर है ये मतलब जो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से रिलेटेड है ना, उन्होंने अपनी अपनी बुक्स के अंदर अपनी सारी चीजें बताई हैं, ताकि जो अब उनके बाद आने वाले जो लोग हों उनको हेल्प हो सके। संगम लिटरेचर हमें सारा किसके बारे में बताते हैं, तमिल रीजन के बारे में बताया, उनकी सोसाइटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉरेन अकाउंट्स, अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए जिन्होंने अपने अकाउंट्स लिखे, अपने इंडिया में आके उन्होंने जो विजिट किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे किस तरह के राजा ने, किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सारे अकाउंट उन्होंने लिखे हैं। वो बुक्स भी हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताती है कि हमें हेल्प मिलती है कि क्या क्या था हमारे पास्ट में। फॉरेन अकाउंट्स बाय ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स लाइक फा ह्यान एंड ह्यान सैन, अकाउंट्स ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीन्स थ्रू इंडिका गिव्स अस अ यूनिक इनसाइट ऑफ इनटू इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फॉरनर। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन बन रहा है, जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जैसे फाहियान है, ह्यान सैंग है या मेगास्थीन्स हैं, इन्होंने अपने जो अकाउंट है उसमें हमें इंडियन सोसाइटी और कल्चर का एक मतलब पूरी एक साइड हमें एक पूरा दिखाते हैं कि किस तरह का था हमारा इंडियन सोसाइटी, हमारे इंडियन कल्चर, इनके अकाउंट से भी हमें पता लगता है, जो कि इन्होंने अपनी बुक इंडिका में लिखा है। Now, art and architecture, the highly polished pillars of the Maurya period mounted with statues of animal. बहुत अच्छी polished हुई हुई है Maurya pillars की, जो even अभी तक rust नहीं हुई है, जिसके ऊपर mounted pillars हैं, जिसके इस पर animals के statues बने हैं, the Gandhara and Mathura school of art, Ajanta paintings, temples built by Pallavs and Chalukya are some of the मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट इंडिया। यानी जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है या हमारे जो बहुत सारे और भी जो अशोका पिलर्स हैं, उन्होंने जो मतलब जो पेंटिंग्स हैं, या अजंता केव्स के अंदर जो महात्मा बुद्ध की सारी लाइफ को बताया हुआ है, डिस्क्रिप्ट किया हुआ है, वो सारी चीजें हमको क्या बताती हैं, हमारे एंशियंट पास्ट के बारे में बताती हैं, हमारा आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बताती है। इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, मैंने भी देखी है कि मतलब अभी तक उनके कलर्स फेंट नहीं हुए हैं। द स्तूपास एंड विहारास एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म आर आल्सो रिच एग्जांपल्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन आर्ट। अब स्तूपा बनाए गए हैं, विहार बनाए गए हैं, जहाँ पे ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो वहां पे रहते थे, उनके वो भी एक मतलब आर्ट और आर्किटेक्चर का देखने वाला चीज है कि कितना सुंदर आर्ट प्रेजेंट किया हुआ है। There is a small box placed at the center of the stupa, which contains precious stone. Stupa के अंदर क्या है कि एक small box placed किया होता है center of the stupa, जिसके अंदर क्या है precious stones हैं, कीमती पत्थर हैं, coins and bodily remains of the Buddha or his disciples. उसके अंदर precious stones रखते हैं, coins रखते हैं, या फिर महात्मा बुद्ध और उनके जो disciples हैं, उनके जो शिष्य थे, उनकी जो bones हैं, उनको रखा जाता है। A path is laid around stupa called pradakshina, which was surrounded by railing. That is an additional feature of the Sanchi stupa. देखिए यहाँ पे ये आपको सांची stupa दिख रहा है ना, इसके ये देखिए यहाँ पे एक प्रदक्षिणा का प्रदक्षिणा मतलब उसके चारों तरफ चक्कर लगाना, प्रदक्षिणा का प्लेस रखा हुआ है जिसपे उसके उसको रेलिंग से कवर किया गया है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हम प्रदक्षिणा करते हैं ना, मंदिर जो सेंटर होता है जहाँ पे भगवान को विराजमान किया जाता है, उसके चारों तरफ आपने देखा होगा प्लेस होता है, तो उस प्लेस पे हम एक प्रदक्षिणा करते हैं, घूमते हैं, तो वहां पे भी ऐसा ही है कि उन्होंने एक सेंटर में प्लेस ये साइडों में प्रदक्षिणा का जगह भी बना रखी है जिसको रेलिंग से कवर किया गया है। ये भी एक एडिशनल फीचर है उनके स्तूपास का। अशोकन पिलर्स आर फेमस फॉर देयर शाइनिंग पॉलिश। जो अशोका के पिलर्स हैं, मैंने आपको बताया कि जो अभी तक रस्ट नहीं हुए हैं, अपनी पॉलिश के लिए वो इतने फेमस हैं। दीज पिलर्स वर माउंटेड बाय स्टैचूज ऑफ एनिमल्स, उनके ऊपर एनिमल्स के स्टैचूज बनाए गए हैं। वन ऑफ देम द लायन कैपिटल फ्रॉम हिज अशोकन पिलर ऑफ सरनाथ हैज बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। जो हमारा नेशनल एम्बलम है, आपने देखा ना हमारी करेंसी के ऊपर भी हमारा नेशनल एम्बलम
दीपक होती है, तो उनमें से ही हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो भी उन्हीं में से लिया गया, अशोकन पिलर में से, वन ऑफ द। अब उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है, रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन। इंडियन क्राफ्टमैन की एक और रिमार्केबल स्किल है द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली, विच इज 77.2 मीटर हाई। ठीक है, मेहरौली में 7.2 मीटर हाइट का और वेट ओवर 3000 केजी, जिसका वेट है 3000 केजी। इट वॉज मेड ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी अबाउट 1500 ईयर्स अगो। मतलब ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया, जो कि 1500 ईयर्स अगो, आज से 1500 साल पहले, एंड स्टिल फ्री फ्रॉम रस्ट एंड कोरिजन। अभी भी देखिए रस्ट नहीं हुए हैं इवन, मतलब 1500 ईयर्स बैक, सर वेरी लॉन्ग पीरियड। मतलब कितनी उनकी जो एक्सीलेंस, उनकी स्किल्स बताई गई हैं कि कितने स्किल्ड पीपल थे उस वक्त, कि इतना अच्छा काम करते थे कि जो अभी तक हम अभी तक उनको देखते आ रहे हैं, अभी तक हम उनको रिमेम्बर करते आ रहे हैं। द केव टेम्पल्स ऑफ अजंता एंड द फेमस अजंता पेंटिंग आर मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्ट हेरिटेज। अजंता एलोरा की केव्स हैं, आपको कभी भी मौका मिले आप देखिएगा, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब उनमें आपको क्या है कि पहाड़ों को काट काट के बनाए गए हैं वो केव्स। देयर थीम्स वर बेस्ड ऑन द स्टोरी एंड टेल्स एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। उसके अंदर जो भी केव्स के अंदर जितना भी वो थीम उन्होंने प्रेजेंट किया है, वो सारी महात्मा बुद्ध की लाइफ को प्रेजेंट किया है, कि किस तरह से वो प्रीच करते थे, किस तरह से उन्होंने मेडिटेशन किया, कितना टाइम उन्होंने कहाँ स्पेंड किया, वो सारी उनकी लाइफ को डिपिक्ट करता है। These paintings are lifelike and the brilliance of their colors and has not faded in an after 14th century. अब देखो ये जो paintings हैं उनके उनके brilliance of their colors and has not faded even after 14th century. 14th century के time period की हैं वो, लेकिन अभी तक fade नहीं हुई है उनकी जो ऐसी बना रखी है उन्होंने। The Kailashnath temple at Ellora carved out of a single rock is an outstanding work of art from ancient India. अब आप खुद ही सोचिए कि ये सारे जो इतने नेम हैं, इतने फेमस क्यों हैं? कुछ तो स्पेशलिटी होगी ना इनके अंदर। अब ये कैलाशनाथ टेम्पल है जो एक सिंगल रॉक को कट करके बनाया गया, कितना मतलब कितने जो आर्किटेक्ट होंगे वो कितने स्किल्ड होंगे उस वक्त के। हाँ मैम, जो अभी तक तो बना सका कोई आर्किटेक्ट ये बिल्डिंग से। अगर आप मतलब यहाँ तो पिक में इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा, पर आप देखेंगे ना तो बहुत ही फाइन मतलब उनका आर्ट शो होता है उसमें। इन महाबलीपुरम द पल्लव्स मेड द रथ टेम्पल। महाबलीपुरम में पल्लव्स ने बनाया है रथ टेम्पल बाय कटिंग एंड कार्विंग ग्रेनाइट बोल्डर्स। ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों को काट के उन्होंने रथ टेम्पल बनाया है। द पल्लव्स ऑल्सो मेड magnificent temples with stones and bricks like the Shore Temple at Mahabalipuram and the Temple at Kanchipuram. उन्होंने stones और bricks के साथ Shore Temple बनाया है और Mahabalipuram में और Kanchipuram में भी उन्होंने ये temples बनाए हैं। Most of the Hindu temples made in ancient India had the central sanctum known as Garbhagriha, where the image of deities such as Shiva, Vishnu, Durga were placed. गर्भगृह वो प्लेस है जहाँ पे जो डाइटीज हैं, जो देवी देवता हैं, उनकी इमेज को वहां पे प्लेस किया जाता है, जहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। द प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, वहां पे पुजारी जी या पंडित जी जो भी हैं वो जाके वहाँ पे जो रिचुअल्स होती हैं, जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं, उनको परफॉर्म करते हैं गर्भगृह के अंदर। द डिवोटीज ऑल्सो ऑफर्ड वर्शिप टू द डाइटी इन द गर्भगृह, और जो भक्त होते हैं, डिवोटी होते हैं, वो भी वहां पे जाके उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जो सारे जो सेरेमनीज हैं वो सारी पंडित जी करते हैं। जनरली ए टॉवर नोन एज शिकारा वॉज मेड ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह। एक उसी गर्भगृह के ऊपर एक गुंबद सा बनाया जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एक टॉवर सा बनाया जाता है जिसको बोला जाता है शिकार, जो गर्भगृह के ऊपर बनाया। बिल्डिंग स्तूपास एंड टेम्पल्स वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर, सो द
किंग एंड क्वीन स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू बिल्ड दीज स्ट्रक्चर्स। अब ये किसी भी बिल्डिंग या स्तूपा को या टेम्पल्स को बनाना एक एक्सपेंसिव मैटर है, ये बहुत खर्चा होता है इसमें। इसलिए जो ये सारे जितने भी हैं, जो किंग और क्वीन ने, जो भी किसी ने बनाए हैं, उन्होंने अपने ट्रेजर्स, अपने खजानों में से अमाउंट लगा के उनको बनाया है, ताकि उनके जाने के बाद में भी लोग उनको याद रखें। साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। तो ये जो है, ये इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगी बेटा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। ओके ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, बाय मैम।